जब भी सामान खरीदते हैं तो ये रिटेलर्स हमसे कैरी बैग लेने के लिए पूछते हैं और हाँ कहने पर 5 से 50 रुपए तक वसूल लेते हैं। गिन आपको बता दें कि दुकानदारों और रिटेलर्स का कैरी बैग के लिए पैसे मांगना गैर कानूनी है। ऐसे ही एक मामले में चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने बाटा कंपनी पर 9,000 का जुर्माना लगाया है। कंज्यूमर कोर्ट ने चंडीगढ़ के रहने वाले दिनेश प्रसाद रतूड़ी की शिकायत पर यह फैसला सुनाया। दरअसल रतूड़ी ने बाटा के शोरूम से जूते खरीदे थे। जूते के लिए दिनेश ने स्टोर को 402 रुपए चुकाए। बिल में पेपर बैग भी शामिल था। रतूड़ी ने पेपर बैग के 3 रुपए के रिफंड को लेकर चंडीगढ़ कंज्यूमर फोरम में शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उनके हक में फैसला सुनाया। कैरी बैग के लिए कोई भी रिटेलर नहीं चार्ज कर सकता, क्योंकि ये शॉपिंग का एक जरूरी हिस्सा है। अब आप जूते खरीद रहे हैं दुकान से, आप हाथ में तो उठा के नहीं ले जाएंगे। और इस केस में दुविधा देखिए कि बॉक्स तो वो दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिसमें जूता डाल रहे हैं, लेकिन कैरी बैग के लिए 3 रुपए चार्ज कर रहे हैं। ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें डिस्काउंट के तौर पे 1,000 रुपए दे देंगी, लेकिन 3 रुपए उन्होंने चार्ज करने हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे ही एक और मामले में चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट 5 रुपए के बैग के बदले में रिटेल चेन लाइफस्टाइल पर 13,000 रुपए का जुर्माना ठोक चुका है। पंकज का कहना है कि दुकानदार और रिटेलर्स इस बात का फायदा उठाते हैं कि उन पर जुर्माना नहीं लगा है, इसलिए वो बैग के पैसे वसूल सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट का जो कानून है वह सिर्फ उसी व्यक्ति पर लागू होता है जिसके खिलाफ केस किया गया हो। तो इस टेक्निकल पॉइंट का फायदा उठा के वह कह रहे हैं हम पे नहीं लागू होता, लेकिन कोर्ट ने लॉ तो ये ले डाउन कर दिया कि रिटेल स्टोर कैरी बैग के लिए चार्जेस नहीं ले सकते, उन्हें मुफ्त देना है। अब ये मैं मान जाए तो ठीक है, नहीं तो हर एक 10 रुपए के पीछे 13,000 रुपए दे दे, उनकी मर्जी है। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के बाद अब बाटा इंडिया के स्टोर ने कैरी बैग के पैसे वसूलने बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ग्राहक होने पर ये आपका अधिकार है कि आप कैरी बैग के पैसे देने के लिए मना कर सकते हैं। जब हमने शॉपिंग कर रहे लोगों को ये बात बताई तो वो भी हैरान रह गए। हम लोग को इसके बारे में आइडिया ही नहीं था कि मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, वरना फिर हम लोग भी बोल के ही पे कर नहीं करते थे। पे हम लोग अपने घर से नहीं लेके आते, इसलिए हमारा फायदा उठा के यहाँ से ये लोग हमको पैसे से खरीदना पड़ता है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, उसके पहले तो वी हैड ऑलवेज बीन पेइंग, अभी रिसेंटली पता चला कि इट्स सपोज टू बी फ्री। उनका नाम क्यों, जब पैसा हम दे रहे हैं तो एक तो ब्लैंक होना चाहिए, मतलब जो प्लेन होना चाहिए कैरी बैग्स, और अभी तो ये पता नहीं था हम लोग की फ्री देते, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग उनको पूछेंगे। कैरी बैग के मामले में कंज्यूमर फोरम क्या कहता है और ग्राहक के तौर पर आपके अधिकार क्या है, चलिए वो भी बताते हैं। दुकानदार या रिटेलर कैरी बैग के पैसे नहीं मांग सकता, ग्राहक को पेपर बैग के पैसे देने के लिए मजबूर करना गलत है, ये कंपनी की खराब सर्विस को दिखाता है। पेपर कैरी बैग कंपनी को मुफ्त ही देना चाहिए, सुविधा देने के लिहाज से ग्राहक को बैग देना चाहिए। बैग के पैसे लेना सेवा में कमी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मानी जाएगी। साफ है कि एक ग्राहक के तौर पर हम कैरी बैग के पैसे देने से इनकार कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हम में से ज्यादातर लोग कैरी बैग के बदले पैसे चुका देते हैं। तो अगली बार कोई रिटेल स्टोर वाला आपसे कैरी बैग देने के बदले पैसे की डिमांड करे तो कम से कम एक बार एतराज जरूर दर्ज करें। इस तरह जागरूकता फैलाने से ही सिस्टम सुधरेगा और स्टोर्स की मनमानी पर लगाम लगेगी।